सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। मैं कौशल स्मित आप लोगों के साथ करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज इस वीडियो पे मैं अपने दिनचर्या के बारे में आपको बताने वाला हूं कि मैं पूरे दिन में कैसे मेरा दिन पूरा दिन स्पेंड होता है, मेरे ड्यूटी के बारे में। हालांकि मैं आज इस वीडियो बनाने के लिए मैंने एक छुट्टी लिया है, आज के दिन पूरा दिन छुट्टी लिया, तो मैं आज पूरा दिन ही मैं कहाँ मतलब पूरा वगैरह घूम लूँगा और पूरा दिन का शेड्यूल कैसा रहता है, कैसे मैं अपने मतलब रूटीन को फॉलो करता हूँ, उन्हीं विषय में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अभी सुबह के बच्चों के 6 बच्चों के सुबह के, तो आज मैं जैसे कि मैं मेरा पोस्टिंग पुलिस स्टेशन में है, तो आपको पता है कि पुलिस स्टेशन में 24 आवर्स ड्यूटी रहता है, 24/7 ड्यूटी रहता है, तो कोई रविवार या फिर कोई वीकेंड का छुट्टी नहीं मिलता। तो जैसे कि आप एक हफ्ता या फिर 10 दिन आप ड्यूटी कर चुके हो, तो आपको एक दिन का ड्यूटी रेस्ट दे दिया जाता है, कोई भी दिन हो। जैसे आज का दिन संडे है, पर आपको ये श्योर नहीं है कि आपको संडे ही छुट्टी मिलेगा या फिर सैटरडे छुट्टी मिलेगा। कोई भी दिन आपको अगर 10-12 दिन आप रेगुलर ड्यूटी कर चुके हो, तो आप बोल सकते हो कि सर मुझे एक दिन का रेस्ट चाहिए, तो आपको एक दिन का रेस्ट दे दिया जाता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को शायद पता है कि मेडिकल का एक वीडियो बनाया था, तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो उस वीडियो में जो मेरा ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही ख़राब था, आप लोग काफ़ी कमेंट किया कि आप लोग क्या बोले हो, क्या मतलब मैंने क्या बोला, और म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में डाल दिया था। तो पिछले कई वीडियो में ऑडियो और जो लास्ट वीडियो में उस पर भी बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि एक माइक ही ले लूँ। तो मैंने ये अमेज़न से वाला माइक मैंने ऑर्डर किया है, तो चलिए देखते हैं इस माइक के अंदर क्या क्या है। और अभी इस माइक को मैं अभी जो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका जो ऑडियो है वो डायरेक्ट फ़ोन से हो रहा है, तो देखते हैं ये कनेक्ट करके कि कैसे ये परफॉर्म करता है। तो फिर अगले जो नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा वो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी, और ऑडियो क्वालिटी वीडियो में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी जो मैंने ये माइक मैंने यहाँ पे माउंट कर लिया है, तो अभी ये ऑडियो आप सुन सकते हो कि कैसा लग रहा है। मेरी बात आपको शायद अच्छे से अभी समझ में आ रहा है, तो यही है इसका, मैंने इसलिए ये मंगवाया कि आगे अभी आपको अच्छे से मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मैंने मेडिकल दिल्ली पुलिस मेडिकल के बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पर काफ़ी जो वीडियो अच्छा नहीं हुआ था, तो मैं इसका भी अभी अगला वीडियो ये बनाऊँगा। तो अभी मैं जाऊंगा थोड़ा, मैं अपना आज मैंने ड्यूटी से रेस्ट लिया है, तो ड्यूटी से रेस्ट लेके मैंने सोच रहा हूँ कि आज मैं मेरा बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग करा लूँ, तो मैं वहीं पे अभी जाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक का सर्विसिंग करने, आज मैंने ड्यूटी से रेस्ट लिया है। तो ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं, जो मेरा पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी, तो यहाँ से मैं यहाँ पर रहता हूँ, और सामने 1 किलोमीटर आगे है थाना, तो वहाँ से अप डाउन करके मैं मतलब यहाँ से हर रोज़ ड्यूटी के लिए वहाँ जाता हूँ, फिर ड्यूटी ख़त्म होते वक्त होने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, और ऐसे ही मैं मेरा ड्यूटी करता हूँ। तो ये रहा मेरा बाइक। तो इसका जो अभी फर्स्ट सर्विसिंग आता है 500 किलोमीटर में, तो 500 किलोमीटर अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हुआ है 400 किलोमीटर, तो मुझे छुट्टी कम मिलता है। आपको तो पता ही है कि पुलिस में 24 आवर्स ड्यूटी रहता है, या फिर मैंने अभी आज का रेस्ट लिया है सिर्फ बाइक की सर्विसिंग के लिए, क्योंकि मतलब अभी बाद में 15 अगस्त आ जाएगा, फिर बाइक का 500 किलोमीटर से ज़्यादा भी अगर मैं कभी चला लिया या फिर इससे इसको मतलब फर्स्ट सर्विसिंग के बाद बाइक पूरा फ्री हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी 400 किलोमीटर हो गया, तो मैंने फ़ोन करके वहाँ उनसे बात किया कि क्या मैं अभी करवा सकता हूँ सर्विसिंग। तो 400 किलोमीटर पर नहीं हुआ था, कल तक 350 किलोमीटर था, तो मैं आज सुबह मैं निकला था, सोच रहा था कि आज सुबह 50 किलोमीटर चला के 400 किलोमीटर कर लूँ, फिर मैं सर्विस सेंटर के लिए चला जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर दूर है सर्विस सेंटर, तो अभी मेरा गूगल मोबाइल का जो मैप है वो ऑन करना पड़ेगा।
तो अभी ये वीडियो में यही बंद करता हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं सर्विस सेंटर में जाके। तो दोस्तों आज का दिन मेरा जो छुट्टी का था, तो मैंने जो सुबह उठ के मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरा पूरा दिन का रूटीन क्या होता है। जैसे कि जब भी मेरा ड्यूटी होता है या फिर जब भी मेरा ऑफ डे होता है, तब मेरा पूरा रूटीन क्या होता है, या फिर ड्यूटी और मतलब मैं मेरा पर्सनल जो भी काम है वो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी शाम का अभी 4 बज चुका है, क्योंकि जब मैं सुबह बाइक की सर्विसिंग करा के आया हूँ, तो दोपहर को मैं मतलब आज नॉर्मली मैं जो मेरा लंच है और डिनर है वो मैं जो पुलिस स्टेशन है पुलिस स्टेशन के मेस में करता हूँ। तो आज मेरा रेस्ट था, तो मैंने सोचा कि आज घर पे ही मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ यहीं पे मतलब कुछ बना के, हम लोग 4 लोग में हम लोग रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ट्रेनिंग सेंटर में से हम लोगों को जो पोस्टिंग दिया जाता है, ये जो टेम्पररी, अभी हम मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरा एक और जगह पे ट्रांसफ़र आ गया, जो DAP दिल्ली आर्म्ड पुलिस है वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र आ गया। मेरे साथ साथ मेरे 3 साथी और है मेरे साथ, मतलब हम टोटल 4 यहाँ पे रह रहे। तो एक साथी का आया था वो सेकंड बटालियन में, और मेरा हम तीनों का आया था फर्स्ट बटालियन में। तो अभी हम मुझे लगता है कि ये जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद हम लोगों को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो 15 अगस्त तक हम लोग इसी पुलिस स्टेशन में हैं, और अभी हम लोग जो है ना, जब हम लोग करीब मैं ऊपर जाता हूँ जहाँ पे से मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, वहाँ से जाके आपसे बात करता हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये जो कम्युनिटी हॉल है, ये एक ही फ्लोर की कम्युनिटी हॉल है, और मुझे जो भी वीडियो बनाना होता है तो मैं नीचे नहीं वीडियो बनाता, बेसिकली ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर पूरा खाली जगह है, और मैं सुबह सुबह जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ वो भी ऊपर ही करता हूँ। ये देखो, ये ऊपर का एरिया है, ये पूरा खुला एरिया है, और मैं अपना जो ग्राउंड शीट है, और ये ग्राउंड शीट है जो मुझे ट्रेनिंग के टाइम मिला था। आपको ट्रेनिंग के टाइम काफ़ी किट मिलेगा, जैसे ग्राउंड शीट वगैरह हो गया, या फिर आपको कई कपड़े परेड के कपड़े वगैरह वो सब मिल जाता है ट्रेनिंग के टाइम में। तो वो ग्राउंड शीट अभी मेरा काम में आ रहा है, मैं रेगुलर जो एक्सरसाइज है वो उसी ग्राउंड शीट पर कर पा रहा हूँ। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं अपना रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि ट्रांसफ़र के बारे में। तो अभी ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफ़र है ना, वो अभी DAP फर्स्ट बटालियन में आ चुका है। DAP का मतलब है दिल्ली आर्म्ड पुलिस। वो दिल्ली पुलिस का एक यूनिट होता है, वहाँ पे जब भी आप जिस किसी का भी ज़्यादातर मैं बताना चाहूँगा, जिस किसी का भी मतलब दिल्ली पुलिस में नहीं भर्ती हुए हो, तो आपका ट्रेनिंग के बाद आपका फर्स्ट पोस्टिंग ज़्यादातर DAP में आता है। तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है फर्स्ट बटालियन के, मैंने सुना है कि फर्स्ट बटालियन का सिस्टम ऐसा है कि आपको 24 घंटा ड्यूटी 24 घंटा रेस्ट मिलता है, और 24 घंटा ड्यूटी के टाइम में जब भी कोई ज़रूरत होगी, जब भी कोई अरेंजमेंट लगेगा, या फिर जब भी कोई VIP का रूट लगेगा, तभी आपको मतलब ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, और बाकी 24 घंटा वहाँ उस टाइम पर आपको रेस्ट मिलेगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि हम जो 4 लोग यहाँ पे पोस्टिंग हुए थे, तो हम पहले यहाँ का जो खाना है वो इतना अच्छा नहीं लगा था, तो हमने 4 लोगों ने मिलके कंट्रीब्यूट करके थोड़ा कढ़ाई वगैरह, चूल्हा और इलेक्ट्रिक जो चूल्हा होता है वो, कुकर वगैरह खरीद लिया था। और उस टाइम पे मतलब 2 महीने पहले जब हम लोग नए आए थे, तब वहीं पे मतलब हम लोग पका के खा लेते थे। तो अभी
मेरे दो दोस्त का जैसे कि नाइट में ड्यूटी हो गया और दो दोस्त का दिन में ड्यूटी हो गया। तो जिनका नाइट में ड्यूटी रहता है वो दिन में सुबह आके 8 बजे से 12-1 बजे तक सो के फिर उठ के वो खाना बना के खा सकते हैं। पर मेरा जो दिन में ड्यूटी रहता है, मेरे साथी वालों का दिन में ड्यूटी रहता है, तो उनका जो मेरे साथी का 12 बजे से है, मेरे 8 बजे से ड्यूटी रहता है। मेरा मेरा 12 घंटा ड्यूटी है क्योंकि मेरा ऑफिस में ड्यूटी है और उसका पेट्रोलिंग ड्यूटी है। उसको पेट्रोलिंग ड्यूटी कई कई मतलब फिक्स नहीं होता कितना घंटे का, आपका 8 घंटे का भी मिल सकता है, 12 घंटे का भी मिल सकता है, 10 घंटे का भी मिल सकता है पेट्रोलिंग ड्यूटी। तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो हम दोनों वहीं पे जो थाने का मैस है वहीं पे खाना खाते हैं। और अभी जो हमारा 15 अगस्त के बाद हमारा ट्रांसफ़र आ जाएगा, वो ट्रांसफ़र रहेगा 2.5 से 3 साल तक आपका वो ट्रांसफ़र रहेगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी आज बता चुका हूँ, तो आगे भी मैं अभी आप लोगों को और भी जानकारी दूंगा कि आप दिल्ली पुलिस में ट्रांसफ़र के बारे में कि कहाँ पे कैसा ड्यूटी रहता है और डेली लाइफ के बारे में भी और भी सारे अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए कि मुझे भी पता चले कि अभी मैं थोड़ा सा अलग वीडियो बना रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि अपडेट्स भी आपको देता रहूँ और डेली लाइफ का भी आपको अपडेट्स देता रहूँ। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसलिए मैं भी अभी उत्प्रेरित हुआ हूँ कि और भी वीडियो आप लोगों के लिए आगे ला पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।